हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा, जिससे पहले जो इंटरेस्ट होता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा मैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इंटरेस्ट क्या होता है, जब कोई भी मनी कोई आदमी किसी से उधार लेता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, तो फिर जब वो कुछ टाइम बाद रिटर्न करता है तो कुछ एक एक्स्ट्रा मनी उसको और भी पे करना पड़ता है। ठीक है ना, तो उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, एडिशनल मनी। ठीक है, ये तो था इंटरेस्ट। फिर हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था सेवन्थ क्लास में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या था, वहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट लगता था उस पर्टिकुलर मनी पर, वो एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए था। ठीक है, एक सर्टेन पीरियड था उसी पर लगता था और उसमें चेंज नहीं होता, जो भी परसेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा बदल जाता है सिचुएशन। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो टाइम पीरियड आपको दिया होगा, लेट से अगर 2 साल है, 2 ईयर्स का दिया होगा, तो हर साल जैसे कि 1 साल पूरा होगा। ठीक है, अगर वो ईयरली कैलकुलेट करने को कह रहा है, आपके सिलेबस में ईयरली ही है, ठीक है, तो उसको 1 साल बाद वो कैलकुलेट करेगा। फिर 1 साल जैसे ही कंप्लीट होगा तो जो इंटरेस्ट बना होगा जाके, वो इंटरेस्ट उसी में ऐड हो जाएगा, जो मनी बोरो किया गया था उसी में ऐड हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट ईयर बचा हुआ है, अगला ये साल जो सेकंड ईयर बचा हुआ, उसके लिए वो वाला प्रिंसिपल बनेगा। मतलब 1 साल तक का इंटरेस्ट और प्लस जो मनी था एक्चुअल मनी, ठीक है, वो बन के जो ऐड होके आएगा, वो अब उस पर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, जो भी दिया होगा उस पर हम अगले साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे करके जब टोटल बनता है जाके, जितने भी टाइम पीरियड है, यानी कि 2 साल, तो वो जो टोटल जितना भी इंटरेस्ट बनता है उसको हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। कंपाउंडेड होता है, ठीक है, थोड़ा सा मिक्स टाइप में होता है, इस वजह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट उसको हम बोलते हैं। ठीक है, देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ, एक बार देखते हैं, ये थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया हुआ है। अंटिल नाउ वी हैव स्टडीड हाउ टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम। यहाँ पर सम का मतलब वही प्रिंसिपल है, जो मनी होता है, सम ऑफ मनी। द सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड। दैट मीन्स जो टाइम पीरियड होता था उस पूरे टाइम पीरियड के लिए फिक्स होता था, उसी टाइम में हम एक साथ जो परसेंटेज दिया होता था, एक साथ टाइम पीरियड यूज करते थे और कैलकुलेट करते थे। हमारा फॉर्मूला क्या था वहाँ पर, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, जिस टाइम के लिए लेते थे थ्रू आउट जो लोन पीरियड होता था, और जो रेट परसेंट दिया हो, जिस रेट पर जो इंटरेस्ट दिया हो, और डिवाइडेड बाय 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाता था। ठीक है, इसको याद रखना है, ऐसा नहीं इसको भूल जाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये था सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए हमें जो भी टाइम पीरियड था, 2 साल, 4 साल, 5 साल, और एक साथ कैलकुलेट कर लेते थे, ये होता था। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा सिचुएशन अलग हो जाता है। यहाँ पर जो जैसे 4 साल है, तो चारों साल के लिए प्रिंसिपल यही रहता था, मेन डिफरेंस यही है, चारों साल के लिए डिफरेंस वो प्रिंसिपल यही रहता था। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल बदलेगा। जैसे 4 साल है तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल तो एक्चुअल में वही होगा जो स्टार्टिंग में था, फिर सेकंड ईयर में थोड़ा सा और इससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता था। ठीक है, तो अब सेकंड ईयर में उससे ज़्यादा आएगा कुछ, थर्ड ईयर में फिर उससे भी ज़्यादा कुछ प्रिंसिपल, जिस पर हम कैलकुलेट करेंगे, फिर थर्ड ईयर में, फिर फोर्थ ईयर यानी कि फाइनल ईयर पे जाके जो भी बनेगा, थर्ड ईयर के एंड में जो बना होगा जाके, वो उस प्रिंसिपल पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो हर बार प्रिंसिपल बदल जाता है। ठीक है, तो मेन थीम ये है आपके पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट की। ओके, तो हाउएवर इन द पोस्ट ऑफिस, बैंक, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, द अदर कंपनीज विच लैंड एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इज क्वाइट डिफरेंट। वहाँ कुछ डिफरेंट होता है, दैट मीन सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, इन सच केसेज द इंटरेस्ट accrued ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इज एडेड टू द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट सो ऑप्टेंड बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर। दैट मीन्स एक साल जो फर्स्ट ईयर होता है ना, फर्स्ट ईयर पे सिंपल तरीके से ही करते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेट करते हैं, पहले साल तो वही करते हैं। ठीक है, फिर जो इंटरेस्ट बनता आ जाएगा वो प्रिंसिपल में हम ऐड कर देते हैं, जो भी इंटरेस्ट बनता आ जाएगा वो ऐड करके वही सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में प्रिंसिपल का काम करता आ जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन थोड़ी सी अलग है यहाँ पर। तो लास्ट में देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो ऐसे करते करते जो सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो कैसे, द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल अमाउंट, यानी कि जो भी हम साल वाइज साल करते जा रहे हैं, ईयर वाइज फाइनल अमाउंट एंड में जाके निकलेगा। ठीक है, माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में था ओरिजिनल प्रिंसिपल, इस कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला बन गया, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू फाइनल अमाउंट, जो कैलकुलेट करते करते हर साल, जो लास्ट मान लो 4 साल के लिए, तो फोर्थ ईयर में जाके वो फाइनल ईयर फाइनल अमाउंट बनेगा, माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल था वो वाला प्रिंसिपल। तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमें हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था, आपको क्वेश्चन समझाऊंगा तो और अच्छे से बेटर क्लियर होगा। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल।
सारे एग्जांपल्स आपको बता दूंगा और उसी टाइप के एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग में ये जो एक्सरसाइज है आपकी वो डिस्क्रिप्टिव वे से है, दैट मीन्स आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको डिस्क्राइब पैटर्न बाय पैटर्न देखना है कि फर्स्ट ईयर का कितना है, सेकंड ईयर का कितना है, पूरा उस तरह करना है। लॉन्ग मेथड है ये इनफैक्ट इस एक्सरसाइज में। इससे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज होगी उसमें हम फॉर्मूला यूज करके करेंगे, ठीक है, तो वो तब देखेंगे। फर्स्ट देखिए, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपीज एट 5% पर एनम। अब यहाँ ये मैटर करता है एनम, खैर आपके सिलेबस में एनुअली ही है तो हमें चेंज नहीं करना है, पर एनम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली, दैट मीन्स जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो कंपाउंडेड एनुअली, मतलब साल बाई साल कैलकुलेट किया जा रहा है, ईयर वाइज कैलकुलेट किया जा रहा है, और 8% भी हमें एनम में दिया हुआ है, तो बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। और फाइनल अमाउंट पूछे, दैट मीन्स वो पूछ रहा है कि 2 साल के एंड में जाकर, जैसे 2 साल कंप्लीट होंगे तो टोटल विद इंटरेस्ट अमाउंट कितना बनेगा जाकर, मतलब ये वाला मनी प्लस इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो तो अमाउंट होगा, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब टोटल इस टाइम पीरियड में, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया जाएगा, तो हम दोनों निकालेंगे, ठीक है। पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट इजीली इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो देखते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारा जो मनी है वो कितना है, तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल, यानी यही ओरिजिनल प्रिंसिपल है जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो 8,000 इज द ओरिजिनल प्रिंसिपल, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, बहुत ईजी है। प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल उसी को बोलते हैं जो स्टार्टिंग में जो मनी होता है, जो उधार लिया जाता है, ठीक है, या बोरो किया जाता है, ठीक है, ओके। तो 8,000 है यहाँ पर प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर। अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, तो मैंने क्या कहा था कि इंटरेस्ट आपको सिंपल उसी तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है, यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव मेथड, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो मतलब क्या था वहाँ पर, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, सिर्फ फर्स्ट ईयर का पूछा गया, तो क्या था वहाँ पर, प्रिंसिपल रेट और टाइम पीरियड अपॉन 100, यह होता था, तो यही लगाएंगे हम हर बार में, मतलब वो सिंपल इंटरेस्ट ही एक्चुअली लगाएंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर अलग अलग स्प्लिट करके अलग अलग जगह पर लगाते हैं, जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल इंटरेस्ट वाला ही होता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 8,000 रेट, क्योंकि 5% एनुअली था तो 5%, और यहाँ पर 1 क्यों आया, क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, पूरे 2 साल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट, इसलिए हमने 1 से किया मल्टीप्लाई, यहाँ 1 का मतलब 1 ईयर है, अपन सिंप्लीफाई करेंगे 0 से कट जाएगा, तो 400 इंटरेस्ट आ गया सिर्फ फर्स्ट ईयर का इतने पर इस रेट से, राइट। तो अब जैसे 1 साल पूरा होगा तो साल के एंड में, ईयर के एंड में अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट का मतलब दिस प्रिंसिपल ओरिजिनल प्लस इंटरेस्ट, जो उस वाले फर्स्ट ईयर का जितना भी बना जाके 400, तो फर्स्ट ईयर के एंड में जाके वो 8,000 एक्चुअली 8,400 बन गए, ठीक है ना, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऐड हो गए, ये बन गया जाएगा। अब प्रिंसिपल ये नहीं रहेगा अगले साल के लिए, अगले साल के प्रिंसिपल ये काम करेगा, बढ़ के काम करेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर का जो एंड में जो अमाउंट होता है वही सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल बन जाता है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, यहाँ से इसको रिलेट करना है आपको, ठीक है। तो अमाउंट एट द फर्स्ट ईयर जो होता है वही प्रिंसिपल होता है सेकंड ईयर का, नेक्स्ट अगले वाले साल के लिए, तो यही लिखेंगे। अब सेम चीज यही रिपीट करेंगे, प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर, अब सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर तो सेम है, प्रिंसिपल ये यूज करना है ना कि वो, प्रिंसिपल ये यूज करना है सेकंड ईयर का, मल्टीप्लाई रेट इंटरेस्ट वही है 5, और क्योंकि सिर्फ सेकंड ईयर, यानी कि जो दूसरा वाला साल है वो भी तो एक ही साल है ना, टाइम पीरियड तो 1 साल का ही है, तो इसलिए 1 से क्या, वो सिर्फ सेकंड ईयर, यानी कि दूसरे साल, जैसे कि वो 2019 का है तो 2020 का है, ठीक है, इस तरह। ओके, तो यहाँ पर 1 ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 420 रुपीज, ठीक है। अब सेकंड ईयर के एंड में क्या अमाउंट बना है जाके, तो सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में ये प्रिंसिपल था और इसी में ही ऐड कर देंगे, तो सेकंड ईयर के एंड में जाकर ये बना जाएगा। अब देखो क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ 2 साल ही दिए हुए थे, 2 ईयर, तो हम अब आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, अब यहाँ स्टॉप हो जाएंगे हम, क्योंकि सेकंड 2 साल के एंड में जाके वो 8,000 इतना बन गया जाके, 8,820 बन गया जाके, तो यही हमारा फाइनल आंसर है जो क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद वो अमाउंट क्या हो जाएगा, 8,000 क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, तो ये तो अमाउंट आ जाता है, क्योंकि हम जब डिस्क्रिप्टिव मेथड से करते हैं तो फाइनल अमाउंट देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं डायरेक्टली आता है, वो तो हमें निकालना पड़ेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फाइनल अमाउंट, ये फाइनल अमाउंट होता है, देखिए अगर मान लो 3 ईयर का होता तो 3 ईयर के एंड में जो बनता जाके वो फाइनल अमाउंट होता है, यहाँ 2 ईयर ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 2 ईयर ही फाइनल अमाउंट है, तो फाइनल अमाउंट, ये फाइनल अमाउंट है, फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, तो फाइनल अमाउंट और ओरिजिनल स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल था माइनस करेंगे, तो ये हमारा पूरे क्वेश्चन में जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया जाएगा,
ठीक है। तो ये था आपका कंपाउंड रेट। एक चीज़ का ध्यान रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर सारी सिचुएशन सेम दिए, 2 साल के लिए रेट परसेंट सब कुछ सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इतना फ़र्क है कि कंपाउंड रेट हमेशा ज़्यादा आएगा। आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर 8,000 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 ईयर रख के सॉल्व करोगे तो वो कम आएगा, ठीक है ना। तो वो आई थिंक यहाँ पर 800 आएगा, मतलब 800 पूरे दोनों साल का मिलाकर सिंपल इंटरेस्ट, बट कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो फ़ायदा इसमें होता है अगर कोई किसी को पैसा देता है यूज़ करने के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेम है, बस 3 ईयर्स का हो गया ये, ठीक है। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 रेट 6% पर एनम एनुअली, और कैलकुलेट कैसे हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली ही हमारे सिलेबस में है और बाकी तो नहीं करना है हमें। ओके, तो सेम सिचुएशन स्टार्ट वैसे ही करेंगे। प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर 5,000, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर तो ये सॉल्व करेंगे तो 300 आ गई, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया, राइट। फिर अब अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर तो ऐड करेंगे तो ये 5,300 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे फिर ये जब 5,300 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आया अमाउंट, तो ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बनेगा जाएगा। तो अब ये प्रिंसिपल हम इसको मान के चलेंगे, तो इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, तो इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर प्रिंसिपल रेट और टाइम पीरियड जो कि 1 साल का ही है सेकंड ईयर का, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 318 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये सेकंड ईयर के एंड में है तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में क्या बनेंगे जाके, इसको ऐड करके, या फिर ये लाइन लिख लो, इसके बाद फिर ये लाइन आएगी, सॉरी, अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, तो ये ऐड करके ये 5,618 आ जाएगा, राइट। उसके बाद प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, तो यही बनेगा जाके थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। अब इसको थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, वो भी एक ही साल है, तो हम एक एक करके करते हैं हर साल अलग अलग। तो ये आ गया, ये डेसिमल में आया, ठीक है, 337.08, ठीक है। अब इसको इसमें ऐड करा तो थर्ड ईयर के एंड में जाके ये बना जाके अमाउंट, ठीक है। तो तीन ही साल थे क्वेश्चन के अंदर, तो तीनों साल जैसे कंप्लीट हो गए तो ये जाके अमाउंट बना जाएगा, मतलब वो 5,000 एक्चुअली ये बन गया विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमें CI निकालना है, तो CI निकालने के लिए दिस माइनस दिस, तो वही लिखा हुआ है, तो पहले तो ये आंसर, ठीक है। और एक ही आंसर, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू फाइनल अमाउंट जो कि थर्ड ईयर का एंड का है, फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सॉल्व करेंगे तो 955.08, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो ये था बस क्वेश्चन में, ज़्यादा चेंज नहीं था, ये 3 ईयर्स के लिए, वो 2 ईयर्स के लिए, जितने भी ईयर्स दिए होंगे तो हम उतने बार करना पड़ेगा। अगर यहाँ 4 ईयर्स दिए होते तो हम और एक्सटेंड करते, 1 साल और कैलकुलेट करते, 4th ईयर में जाके जो बनता जाके वो फाइनल अमाउंट बनता जाके एंड में, ठीक है। ओके, फिर example 3 देखते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6,500 फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 5% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। अब यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन बदल दी, थोड़ी सी बदली है, क्योंकि पीछे दो क्वेश्चन दिए थे उसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर हो चाहे थर्ड ईयर हो, सबके लिए रेट इंटरेस्ट बता रखा था, ये है भाई इंटरेस्ट, बट उसने कहा कि फर्स्ट ईयर में तो रेट इंटरेस्ट इतना है, बट सेकंड ईयर में जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो वहां पर रेट परसेंट अलग है कैलकुलेट करने का, 6% पर लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम जो दिया है वही यूज करेंगे, तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर वाला यूज करेंगे, सेकंड ईयर में सेकंड ईयर वाला यूज करेंगे। तो देखो, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, स्टार्टिंग में प्रिंसिपल तो वही है, ओके, और रेट इंटरेस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर का रेट इंटरेस्ट है 5%, दोनों ईयर का अलग अलग है, ठीक है। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर 6,500 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि फर्स्ट ईयर का यही है रेट इंटरेस्ट क्वेश्चन में, और सिर्फ 1 साल का कर रहे हैं, तो 1/100 सॉल्व किया तो 325 आ गया। अब 1 ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट क्या बनेगा जाके, दिस प्लस दिस, तो ये ऐड कर दिया तो 6,825 आ गया, तो ये फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट है। अब सेकंड ईयर पे आएंगे तो सेकंड ईयर में यही प्रिंसिपल बन जाएगा, प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर। अब क्योंकि सेकंड ईयर का रेट परसेंट अलग है, 5 नहीं है, पिछले क्वेश्चन में 5 ही होता था हर बार, यहाँ अलग है, तो यहाँ पर वो यूज करेंगे, तो रेट इंटरेस्ट हमें 6% ही है। तो कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या बना जाके, इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर इज दिस, ठीक है, 6,825 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1/100 सॉल्व करेंगे तो ये 9,409.5 हो जाएगा। ये सॉल्व करना आना चाहिए, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, 8th क्लास है तो अब तो आप सॉल्व करना सीख चुके हो कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर आता है अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, सेकंड ईयर के एंड में अमाउंट निकालने के लिए आपको ये और इसका प्रिंसिपल ऐड करेंगे तो ये बनेगा जाके, ठीक है। तो सेकंड ईयर में ये जाके बन गया फाइनल अमाउंट, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था, तो फिर फाइनल अमाउंट और माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, तो सिर्फ डिफरेंस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। example 4 देखेंगे, example 4 में क्या सिचुएशन दिया हुआ है, देखो, मिस्टर सिंह बोरोड दिस मनी, ठीक है, 21,600
फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ दिस। अब फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं, इसको भी सॉल्व करने की। उसको मिक्सड में दिया हुआ है तो उसको इम्प्रॉपर बना लेंगे जो भी आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 50 बाई 3 आ जाएगा, 50/3% पर एनम, ठीक, कंपाउंडेड एनुअली बोला है तो इसलिए पर एनम। वाइल मिस्टर गुप्ता बोरोड द सेम अमाउंट एट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड एट द सेम इंटरेस्ट, हु हैज टू पे मोर एंड हाउ मच। यहाँ पर दो लोग हैं, देखो मिस्टर सिंह ने भी बोरो किए, उधार लिए पैसे 3 साल के लिए और इस रेट से लिए। मिस्टर गुप्ता ने भी लिए पैसे 3 साल के लिए ही लिए, सेम अमाउंट, यही अमाउंट लिया, ठीक है, यही अमाउंट लिया, इसी रेट से लिया और इसी टाइम पीरियड के लिए। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि मिस्टर गुप्ता को जो रेट इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट है, बट मिस्टर सिंह को कैसा देना पड़ रहा है, कंपाउंडेड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि कैसे पता लगा कंपाउंड, यहाँ लिखा हुआ है देखो कंपाउंडेड एनुअली, और यहाँ पर उसने बोल रखा है मिस्टर गुप्ता, बाकी हर चीज सेम है, प्रिंसिपल सेम है दोनों केसेस में, दो केस हैं मिस्टर सिंह वाला और मिस्टर गुप्ता वाला। मिस्टर सिंह में भी प्रिंसिपल दोनों का सेम है, यानी कि मनी सेम है, टाइम पीरियड सेम है, रेट इंटरेस्ट सेम है, बट वो कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट होगा और ये सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट होगा, ठीक है, सब कुछ दिया है। तो बस अब दोनों से निकालते हैं, इसका कंपाउंड जो बनता है वो निकालेंगे, इसका जो निकालता है वो निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि मेन जो ओरिजिनल प्रिंसिपल तो सेम ही है, उससे फर्क नहीं आना कुछ, ठीक है। इसने पूछा किसको ज़्यादा देना पड़ रहा है, हु हैज़ टू पे मोर, या ये आप किसको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है एज ए इंटरेस्ट, अब वो कोई सा भी इंटरेस्ट हो, और कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है, यानी कि बाद में हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो दोनों केसेस को अलग अलग सॉल्व करते हैं, पहले मिस्टर सिंह का केस सारा देखते हैं। तो मिस्टर सिंह का केस तो वही है जो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। मिस्टर गुप्ता का वही केस है जो 7th क्लास वाला है, सिंपल इंटरेस्ट वाला, ठीक है। तो पहले मिस्टर सिंह का देखते हैं, प्रिंसिपल ये है, इंटरेस्ट क्योंकि टाइम पीरियड 3 ईयर्स का, तो 3 साल तक जाना पड़ेगा हमें, 3rd ईयर तक। तो 1st ईयर का रेट इंटरेस्ट क्या है, इसको हमने मिक्स से उसमें बना लिया प्रॉपर में, 50/3 × 1/100 नीचे आ जाएगा, ठीक है, उसको सॉल्व किया तो 3600 आ जाएगा, राइट। उसके बाद इसको इसमें ऐड कर देंगे तो 1st ईयर के एंड में जाकर ये अमाउंट बनेगा जाके, ठीक है, 21,600 + 3600 तो 25,200 बन जाएगा, राइट। फिर यही अमाउंट सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल बनेगा जाके, प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड ईयर, ठीक है, 25,200। अब सेम सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करो, रेट वही है, ठीक है, पूरे थ्रू आउट पीरियड, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 4200 आ जाएगा। अब 4200 को जब इसमें ऐड करेंगे तो ये अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर बनेगा जाके, अब ये 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा जाके। तो इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर दिस यहाँ पर रखा 50/3 × 1/100 सॉल्व किया तो 4900 आ गया। अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये 3rd ईयर के एंड में जाकर फाइनल अमाउंट बनेगा जाके, क्योंकि 3 ही साल है तो फाइनल अमाउंट तो ये बन गया जाके। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल था, डिफरेंस करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा तो ये इतना आ जाएगा, कितना, 12,700 ये डिफरेंस आ गया। अब चलो मिस्टर गुप्ता पर देखते हैं, मिस्टर गुप्ता का है सिंपल इंटरेस्ट का केस, वहाँ पर जो हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल, तो सिंपली PRT SI इक्वल टू P×R×T, सिंपल फॉर्मूला था, रखेंगे वैल्यूज यहाँ पर, ठीक है, 50/3 और यहाँ पर टाइम पीरियड 3 था और अपॉन में 100 था, इसलिए यहाँ पर ये 100 लिखा हुआ है। सॉल्व करेंगे तो 10,800 है। तो देखो कंपेयर करो, मिस्टर सिंह को देना पड़ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 12,700, मैंने पीछे बताया था हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर हर चीज सेम है कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा आता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखो उसको इतना देना पड़ रहा है, बट मिस्टर गुप्ता को सिंपल इंटरेस्ट इतना ही देना पड़ रहा है, डिफरेंस आ गया कितना। तो देखो क्लियरली मिस्टर सिंह हैज़ टू पे मोर एज ए इंटरेस्ट देन मिस्टर गुप्ता, ये तो एक आंसर होगा जो उसने पूछा था, किसको ज़्यादा देना पड़ेगा, कितना ज़्यादा देना पड़ेगा ये भी बताओ, रिक्वायर्ड डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, दिस मोर माइनस लेस, जो ज़्यादा में से कम माइनस कर दो, तो 1900 का डिफरेंस आ रहा है, यानी इसको 1900 ज़्यादा देना पड़ रहा है, इसको 1900 कम देना पड़ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी थोड़ा सा इन्वॉल्व था, ठीक है, ओके। फिर अब एक्सरसाइज में हिंट दे देता हूँ मैं, ये जो आपके स्टार्टिंग में क्वेश्चन है बहुत ईजी क्वेश्चन है, जस्ट डिजिट चेंज हुए हैं, जैसे मैंने समझाया था भी उधर एग्जाम्पल 1, 2, 3 में, जैसे ये 1, 2 दिया हो, जस्ट एग्जाम्पल 1 है, डिजिट्स अलग हैं, बस डिजिट अलग है, ठीक है, यहाँ पर तो टाइम पीरियड सेम है, बस ये रेट परसेंट अलग, अमाउंट निकालना है कंपाउंड, बस डिस्क्रिप्टिव मेथड से। ऐसे क्वेश्चन 3 एग्जाम्पल 3 पर बेस्ड, ठीक है, एग्जैक्टली एग्जाम्पल 3 पर, क्योंकि 1st ईयर का अलग है, 2nd ईयर का रेट परसेंट अलग अलग है, ठीक है, और 4 और 5 एग्जाम्पल 2 हैं, क्योंकि यहाँ 3 ईयर के लिए पूछा गया है,
बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। और क्वेश्चन सिक्स, सिक्स और सेवन ये भी सेम है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। सिक्स में बोला है कि करीम टुक अ लोन, लोन लिया हुआ है 25,000 का कॉरपोरेशन बैंक से एट द रेट ऑफ 12% पर एन कंपाउंडेड एनुअली, और उसने जो इंटरेस्ट रेट लगाया वो कंपाउंडेड एनुअली लगाया है, ठीक है। हाउ मच अमाउंट ही विल पे, ही हैव टू पे एट द एंड ऑफ द थ्री ईयर्स, मतलब थ्री ईयर्स के एंड में करीम को बैंक को कुछ पैसा वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट मतलब 25,000 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट तीन साल के बाद, तो वो वही तो अमाउंट होगा, तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा उसको। तो सिंपल कैलकुलेशन ही तो है, आपको डिस्क्राइब करना है, बस सिंपल कैलकुलेशन है। स्टार्टिंग करना कि प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है, और फिर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो रेट दिया हुआ है फर्स्ट, ऐसे करके सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर थर्ड ईयर के एंड में जाके जो अमाउंट आएगा वही हमारा आंसर है। फाइंड हाउ मच अमाउंट ही विल हैव टू पे, आपको अलग से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, उसने बस थर्ड ईयर के एंड में जो फाइनल अमाउंट बनाया जाके वही आंसर हो जाएगा आपका। तो वही वे उसका लिखने का वही है एज इट इज, ठीक है। सेवन भी वैसा ही है बट मैंने किया हुआ है, सॉरी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए सेवन में दिया है मनोज डिपॉजिटेड दिस मनी इन अ बैंक, अब देखो मनोज डिपॉजिट कर रहा है, उधार नहीं ले रहा है वो, उसने वहां पर लोन लिया था, उधार लिया था बैंक से, बट यहाँ पर उसने अपना पैसा जमा किया है बैंक में, तो बैंक मनोज को इंटरेस्ट देगा, ठीक है ना। यहाँ पर उसने उधार लिया था इसलिए इसको देना पड़ रहा है इस टाइम पीरियड बाद, अब यहाँ बैंक देगी क्योंकि कौन पैसा कौन ले रहा है, बैंक, ठीक है। तो मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट द रेट पर 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मच अमाउंट विल ही गेट आफ्टर थ्री ईयर, तो ये भी सेम क्वेश्चन है कि उसको जो मनोज को वापस मिलेगा तीन साल बाद वो कितना अमाउंट मिलेगा वापस, तो क्वेश्चन तो वही है एट द एंड ऑफ जो एंड ऑफ द थ्री ईयर जो अमाउंट बनेगा जाके, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर दिस अमाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था तो कैलकुलेट किया तो ये 1250 आ गया, राइट। अब ये उसमें ऐड कर देंगे तो फर्स्ट ईयर के एंड में एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इसमें ऐड करेंगे तो 16,875 रुपीज़ आ जाएगा। फिर प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर यही बनेगा जाके, ठीक है, और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, रेट परसेंट तो वही दिया हुआ तो सॉल्व करेंगे तो 1350 आ जाएगा। फिर अब सेकंड ईयर के एंड में जाकर ऐड करेंगे इसमें तो ये अमाउंट आ जाएगा सेकंड ईयर के एंड का, ठीक है, इसी में ऐड करा इसमें। फिर आता है ये थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में जो पिछले ईयर का एंड में जाके अमाउंट था वो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल बन जाएगा जाके, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर पे जाके कैलकुलेट करेंगे, रेट परसेंट वही है, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, राइट। अब एंड में थर्ड ईयर के एंड में तो इसके ही प्रिंसिपल से ऐड कर देते हैं तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 19,683 तो ये आपका फाइनल आंसर है क्योंकि थर्ड ईयर के एंड में इतना उसको वापस मिलेगा बैंक द्वारा, क्योंकि बैंक को दे रहा है ना, ठीक है, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन सेवन, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन एट, ये भी मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ दिया हुआ है अ पर्सन लेंट आउट 16,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये वैसे एग्जाम्पल फोर की तरह ही है, सेम है, ठीक है, बस थोड़ा सा लास्ट में थोड़ी सी अलग सी चीज पूछ गई है बस। अ पर्सन लेंट आउट 16,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड द सेम सम ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टू ईयर्स एट द रेट ऑफ दिस, देखो एक आदमी है उसने दो जगह पैसे लगाए हैं, ठीक है, लेंट आउट मतलब दिए हैं, उधार दिए हैं किसी को, एक को तो दिए हैं सिंपल इंटरेस्ट पर इतना ही पैसा और दूसरे पर्सन को दिए हैं इतना ही पैसा बट वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पर दिया हुआ है। एक को सिंपल दो पर्सन है, ये जो पर्सन है इसने दो लोगों को 16,000 रुपये दिए, 16,000 रुपये इसको दिए, 16,000 रुपये इसको दिए, ठीक है, रेट परसेंट दोनों का सेम है, टाइम पीरियड भी दोनों का सेम है, टू ईयर्स के लिए, ठीक है, बट एक को सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पर दिया हुआ, एक को कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पर कैलकुलेशन करेगा इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट अलग है, एक का सिंपल इंटरेस्ट है एक को। तो इसने पूछा यह है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड एज एन इंटरेस्ट, अमाउंट नहीं इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं आफ्टर टू ईयर, दो साल के बाद दोनों में जो इंटरेस्ट बना होगा, यहाँ जो इंटरेस्ट इस केस में बना होगा जाके और इस केस में बना होगा, उनका रेशियो मतलब SI अपॉन CI, ये पूछा, ये फ्रैक्शन निकाल लो, ये फ्रैक्शन ही रेशियो बनेगा जाके, SI अपॉन CI, तो दोनों का पहले SI निकाल लेते हैं अलग और CI फिर बाद में निकाल लेते हैं दूसरे केस, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए तो केस वन जो कि सिंपल इंटरेस्ट का है तो प्रिंसिपल ये है, टाइम पीरियड टू ईयर्स का है और ये मिक्स्ड में दिया है तो मैंने 25/2 पर एनम लिख लिया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो कि सिंपल फॉर्मूला है, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, ठीक है, और ये 25/2 का 2 नीचे आ जाएगा तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 4,000 आ जाएगा, तो ये सिंपल इंटरेस्ट बन गया आफ्टर टू ईयर।
2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे सेकंड केस जो कि यहाँ पर अब है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो फिर हम पूरा प्रोसेस करेंगे, टाइम पीरियड है 2 ईयर्स का, तो 2 ईयर्स तक करेंगे। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल यही बनेगा जाके, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, दिस 25/2, रेट वही है अपॉन 100, सिंपल कर दिया। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में तो ये 2000 ऐड कर देंगे, तो फर्स्ट ईयर के एंड में ये बनेगा जाके अमाउंट, और यही सेकंड ईयर के स्टार्टिंग का प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, अब ये इसके बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, सॉल्व करेंगे ये आएगा। ठीक है, उसके बाद अमाउंट एट द सेकंड ईयर, सेकंड ईयर के एंड में अमाउंट ये ऐड कर देंगे निकालने के लिए, 18,000 में ऐड हो जाएगा, तो 20,250 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2 ईयर निकालना है कि यहाँ देखो ये तो फाइनल हो गया क्योंकि टाइम पीरियड 2 साल तक का ही था, तो ये तो फाइनल अमाउंट बनेगा जाके, और ओरिजिनल प्रिंसिपल ये था, तो पूरे 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना जाके वो निकालने के लिए फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, तो डिफरेंस किया तो हमें पता लग गया 4,250 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का बना जाके। तो अब हमें रेशियो पूछा है, फाइंड द रेशियो अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम एज एन इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, तो मैंने लिख दिया। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो जो क्वेश्चन में दी हुई एज इट इज, उसके बाद ये लिखो SI अपॉन CI, फ्रैक्शन ही रेशियो होगा। ठीक है, फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, उसको रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे, तो 4000 अपॉन 4250 सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे, तो ये मैंने 0,0 काट दिया, फिर भी ये कट सकता है, तो 25 से मैंने काटा इसको, ऊपर 16 बचाए हैं 17, तो आप नहीं कर सकते, अब ये प्राइम नंबर आ गया, अब और नहीं कटेगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया, तो इसको आप रेशियो में लिखेंगे तो 16:17। ऑर्डर का ध्यान रखना, पहले किसका, देखो पहले सिचुएशन है उसने सिंपल इंटरेस्ट की दी थी, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की दी, तो SI टू CI निकालें, CI टू SI, क्योंकि उसने SI टू CI ही पूछा हुआ है। ठीक है, SI टू CI, SI को न्यूमरेटर पर, डिनोमिनेटर में CI को, तो 16:17 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इतने क्वेश्चन थे आपके, ना करेंगे आप। ठीक है, चलिए, थैंक यू।